हेलो गाइस, विष्णु सोनी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई भी हैचबैक गाड़ी हो, सेडान हो या फिर कोई भी छोटी गाड़ी हो, और अगर आप उसको कहीं पे मिट्टी के एरिया में या फिर ऑफ रोड कहीं पे लेके जाते हो, अगर आपकी गाड़ी बाई चांस फंस जाए तो आप उस गाड़ी को कैसे बाहर निकालोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताऊंगा। हाँ, अगर आपके पास बड़ी एसयूवी हो या अदर कोई भी गाड़ी हो बड़ी, तो वो गाड़ी आसानी से इसमें मतलब मिट्टी वगैरह में निकल जाती है। अगर अपने पास जैसे इस तरह की छोटी गाड़ी है, जो कि मेरा खुद का पर्सनल बाइक है, अगर इस तरह की छोटी गाड़ी है तो वो आप किससे निकालोगे, इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेरे जो ब्रदर्स है वो आप गाड़ी लेके आएंगे, यहाँ पे हम जानबूझकर फंसाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम गाड़ी को कैसे निकालें, वो भी बिना किसी की मदद से। अभी आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी पूरी तरह से मिट्टी के अंदर फंस चुकी है। चारों टायर दिखाता हूं आपको, आगे से देखिए बोनेट पूरा नीचे लग गया है, फ्रंट के टायर भी पूरी तरह से मिट्टी में फंस चुके हैं। अब आपको बताएंगे कि इस गाड़ी को आप बिना किसी की मदद से बाहर कैसे निकाल सकते हो। तो हमारे जो ड्राइवर भाई है डॉक्टर सतवीर, हेलो, ये हमारे रवि भाई, हेलो। अब आपको बताएंगे कि आप गाड़ी को बिना किसी की मदद के इस मिट्टी में से कैसे निकाल सकते हो। तो स्थिर भाई साहब आपको बताएंगे गाड़ी कैसे निकालते हैं। चलो भाई साहब, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको गाड़ी की सेल्फ है मतलब टायर को राउंड नहीं करना है, मतलब घुमाना नहीं है, सेल्फ नहीं करानी। आपको गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालनी है और हल्के से आगे पीछे जैसे भाई साहब कर रहे हैं उस तरीके से करनी है, जैसे आपको टायर दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल इस तरीके से करनी है, आगे पीछे थोड़ी बहुत आगे फिर पीछे आगे पीछे, मतलब आपको गाड़ी का राउंड बना लेना है, चाल बना लेनी है। आपको अंदर से दिखा देता हूँ भाई साहब कैसे कर रहे हैं। भाई साहब करके बताइए कैसे कर रहे हो, थोड़ा बताओगे गाड़ी को कैसे निकाल सकते हैं, बताइए। ये देखो धीरे धीरे क्लच को प्रेस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल इस हिसाब से आपको गाड़ी को आगे पीछे करना है। गाड़ी जैसे आगे पीछे करोगे तो गाड़ी अपने आप चाल बना लेगी और आप बिना किसी की मदद के गाड़ी को बाहर निकाल सकते हो। ये देखिए सेडान हो, हैचबैक हो, छोटी गाड़ी हो, उनको मिट्टी में से बाहर निकालना काफी हार्ड होता है। अगर बड़ी एसयूवी हो तो उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उनके टायर भी बड़े होते हैं। ये देख लीजिए ये गाड़ी बंद होगी, बंद हो जाती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लेना, आराम से गाड़ी निकाल सकते हो। दो तीन बार बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आप देख सकते हो पूरी तरह से मिट्टी में धस गई है। अगर हम इस गाड़ी को पूरा जोर लगाएंगे, मतलब गाड़ी का अगर टायरों की सेल्फ कटवा दें तो एक गाड़ी वहीं पे बैठ जाएगी और फिर गाड़ी निकलने में मुश्किल होगी। अगर आप गाड़ी की सेल्फ मत कटाओ और गाड़ी को ऐसे आगे पीछे करो तो गाड़ी अपनी चाल बना लेगी और फिर आराम से आप गाड़ी को निकाल सकते हो। ये देखिए टायर अपने आप बाहरने लग गया, ये देखिए। पहले बैक गियर में करिए फिर आगे की तरफ चाल बनाइए, जैसे भाई साहब ने पहले बैक गियर में अपनी चाल बनाई है गाड़ी की, अब थोड़ी आगे करके चाल बना ले, मतलब गाड़ी आगे और पीछे से दोनों तरफ चाल बनाने की तो अपने आप गाड़ी निकालने में आसानी होगी। ये देख लीजिए हमने गाड़ी जानबूझ के फंसाई है ताकि आपको बता सकें कि अगर आप अकेले हो और पास में कोई सहायता वाला नहीं है तो आप गाड़ी को अकेले आराम से इस मिट्टी में से कैसे निकाल सकते हो। भाई साहब गाड़ी को आगे लेंगे थोड़ा,
जैसे ही गाड़ी चल नहीं, भाई साहब ने पूरी पीछे कर दिया। जैसे ही गाड़ी वापस धसने लगी मिट्टी के अंदर, तो उन्होंने फिर अपने वो क्लच को दबा लिया और फिर गाड़ी को आगे पीछे करके चल बना रहे हैं। अगर गाड़ी एकदम से पीछे चलने लगे और आप अगर आपने एकदम से रेस दे दी गाड़ी की, तो गाड़ी वहीं पर धस जाएगी। अगर गाड़ी आपको ऐसा लगे कि गाड़ी के टायर स्लिप कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, तो आप गाड़ी को यहीं पर रोक दो और आगे पीछे इस तरीके से करो जिस तरीके से भाई साहब कर रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल आराम से निकल जाएगी और गाड़ी में कोई नुकसान भी नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरीके से गाड़ी हमारी धसी हुई है, जैसे कि आधी से ज्यादा अभी बाहर आ भी गई है। इस साइड से दिखा दूं आपको एक बार, ये देखिए इस साइड का टायर अभी भी थोड़ा अंदर है, निकल जाएगी आराम से गाड़ी, गाड़ी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस तरीके से चाल बनाइए, गाड़ी अपने आप निकल जाएगी। हालांकि आपको 5 मिनट का टाइम जरूर लगेगा, लेकिन गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बिना किसी की हेल्प ये गाड़ी को निकाल सकते हो, जैसे स्थिर भाई साहब कर रहे हैं बिल्कुल वैसे। देखिए गाड़ी अपनी चाल बनानी और ये गाड़ी हमारी बिल्कुल आराम से निकल गई है। हेलो भाई साहब, स्थिर भाई साहब ने गाड़ी निकाल दिया। स्थिर भाई साहब हेलो, थैंक यू। रवि हेलो, थैंक यू। गाड़ी निकाल दी, आप देख सकते हो कितनी आसानी से हमने गाड़ी निकाल ली। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड और भी इसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर स्टडी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ हम आपको रोजाना ऐसी ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।